टाइप सॉन्ग्स है, सैड सॉन्ग है फीलिंग, वो दर्द वाले, और दूसरे भी वो घुंघरू टूट गए, वो भी बड़ा मजे का गाना है। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, मुझे नहीं लगता था कि ये ना अरिजीत की आवाज है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, आबाद होंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब पार्क सिंपलिक्स रिएक्शन को सब्सक्राइब कर दे रहे हैं। इंस्टाग्राम मैंने क्रिएट कर दिए, यहाँ पे मिल जाएगा या यहाँ पे मिल जाएगा या यहाँ पे मिल जाएगा। देखो स्टेप बन गया, यहाँ पे या यहाँ पे मिल जाएगा इंस्टाग्राम आप लोगों को। मैं हूँ कोमल और मैं हूँ हाशिम, और ये एब्सेंट थी, और कल की वीडियोस जाकर देख लो, प्यार दो कल की वीडियोस पे। और मेजर गौरव आर्या वाले पे बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि लाइक उसका सेकंड पार्ट करें। अभी और कमेंट्स करो, थकना नहीं है, कमेंट्स करने हैं। और जाकर वीडियो देखो, मैं जब गौरव आर्या के पार्ट वन पे किया स्पीक्स टू फार्मर, स्पीक्स ऑन फार्मर प्रोटेस्ट आई थिंक, सो इस तरह करके टाइटल की वीडियो है। जाकर वीडियो देखो और कमेंट ज़रूर करना उस वीडियो पे कि लाइक इफ़ यू वांट सेकंड पार्ट और नॉट। आज हम जिस वीडियो पे एक्शन करने जा रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, वो है इंडियन सिंगर वर्सेस पाकिस्तानी सिंगर्स विदाउट म्यूजिक ऑटोट्यून। ये सब सिंगर्स की आवाज़ हम देखते हैं क्या है, और बड़े आला आला सिंगर्स आने वाले हैं। हो सकता है आपके फेवरेट सिंगर भी आए और मेरे फेवरेट सिंगर भी आए और इनके फेवरेट सिंगर भी आए। देखते हैं उनकी विदाउट ऑटोट्यून आवाज़ आप लोगों के साथ वीडियो देखेंगे। लास्ट तक जरूर देखना वीडियो। लेट्स स्टार्ट। इंडियन सिंगर्स वर्सेस पाकिस्तान सिंगर्स। ये गाना बहुत फेमस है ना, थोड़े इधर होता यार। दर्शन मुस्तफा, यार इसकी आवाज मुझे बहुत पसंद है यार, बहुत ज्यादा सिंगर है इसको। तो इंडियन आइडल भी हमने देखा होगा ना, इंडियन आइडल ही था वो, एक्स फैक्टर था ना, एक्स फैक्टर में इंडियन आइडल में आया था। नहीं नहीं, एक्स फैक्टर में आया था, जो यो हनी सिंह वाला शो है। इंडियन आइडल में भी आया था। नहीं, इंडियन आइडल में था, इंडियन आइडल में था, इंडियन आइडल में था, मुझे याद है। चलो देखो, सिंगर बहुत आता है, बेस्ट है। इस साइड पे मुस्तफा, मुस्तफा जाहिद है ना, लिखे जो खत तुझे वो तेरे याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, डिफरेंट है दोनों की वॉइस, डिफरेंट है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। बड़े बड़े सिंगर्स हैं ये। Be back. यार इसकी आवाज बहुत यूनिक है। ये भी हमारा अच्छा सिंगर है, साहिर अली बाका। पाकिस्तान की तरफ से मामला दिल दा
नेहा कक्कर भी बहुत जबरदस्त सिंगर है। नेहा कक्कर लेकिन ना मुझे लगता है कि सैड सॉन्ग्स ना अच्छे नहीं गा सकती मेरे ख्याल से। चुलबुली है ना, आइटम सॉन्ग्स के लिए बनी हुई है नेहा कक्कर। बेग यार बहुत अच्छी सिंगर बन गई है। हैवी सिंगर बन गई है। चुबेन यार ये भी सैड सॉन्ग्स के लिए बनाए बंदा। दर्द आवाज में दर्द पेन। ये तो नहीं है बेवजह, पूछो जरा इस दिल से हम हैं मिले मुश्किल से, कल फिर ना हो हम जो यहाँ। गजब का है दिन सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा। आसिम हज़ार ऐसी रात है जो बहुत खुश। जस्टिन बीबर गरीब होगा। आजकल आसिम हज़ार ही है पाकिस्तानी सिंगिंग इंडस्ट्री में ना, वही नजर आ रहा है। सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूं या नहीं। सोनू निगम राहत मितवा यार क्या सिंगर ये क्या कर रहे हैं मुझको, भूल न जाना। यार दोनों ही लेजेंड है अपनी अपनी इंडस्ट्री के। धरती जब तक रहेगी अंबर जब तक। राहत फतेह अली खान इंडिया में भी गा के आया है, वहां पे भी बहुत माना जाता है राहत फतेह अली खान। मोनाली हदीका इनका नहीं इतना पता। हदीका क्या नहीं, तुम्हारे स्कूल की है, हमारे स्कूल की है पाकिस्तानी जरा आर स्कूल। बिलाल सईद ये भी बहुत अच्छे सैड सॉन्ग गाता है। अरमान मलिक Nice. बिलाल सईद इसका ये गाना यार मतलब फेमस है। 2020 का 2021 के 2020 के 2019 2020 के
श्रेया घोषाल यार, ये बहुत बड़ी सिंगर है यार, इसको किसके साथ जोड़ा हुआ है? मोमिना के साथ जोड़ा हुआ है, जो भी आई है। इनका कंपैरिजन नहीं बनता था। वो बहुत बड़ी सिंगर है यार श्रेया घोषाल, वो मोमिना अभी आई है। आवाज कितनी तीखी है यार। इतनी रेंज है यार इसकी आवाज की, वो ज्यादा ऊपर, इतने स्ट्रॉन्ग वोकल्स है अगली के, वो भी वही गा रही है। सिंगर अच्छी है ये, लेकिन यार उसके उसके लेवल की नहीं है वो। श्रेया घोषाल बड़ी सिंगर है, हाँ बड़ी सिंगर है वो। इसको इसको नेहा कक्कर के साथ जोड़ देते यार। ये नहीं बन, छोड़ दो सारा कुछ, अरिजीत वर्सेस आतिफ असलम। नहीं यार, आतिफ असलम भी बहुत जबरदस्त सिंगर है, लेकिन अरिजीत का मुकाबला ना यार, लेवल है ये सिंगर। यार चूज कर ही नहीं सकता इंसान। यार वीडियो और आतिफ और अरिजीत, अरिजीत लाइक बहुत डिफिकल्ट है, नहीं चूज कर सकते आप। लाइक अरिजीत की आवाज में एक अपना ही दर्द है, और मतलब हर वो आवाज में गाने गा सकता है। लाइक वो जो डिस्को टाइप सॉन्ग्स हैं, सैड सॉन्ग है फीलिंग वो दर्द वाले, और दूसरे भी वो घुंघरू टूट गए, वो भी बड़ा मजे का गाना है। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, मुझे नहीं लगता था कि ये ना अरिजीत की आवाज़ है, लेकिन जब मैंने नीचे पढ़ा ना अरिजीत, वो मैं परेशान है गया, हर बंदा ना हर आवाज हर आवाज में गाने गा सकता है वो, क्योंकि लाइक वो ना वो है ही प्लेबैक सिंगर के लिए बना हुआ, प्लेबैक गा रहा है, प्लेबैक पीछे गाने, और हर गाना यार जो गाना देखो अरिजीत का, जो गाना देखो अरिजीत का, तुम ही हो से आया, तुम ही हो से, तुम ही हो जो, तुम ही हो जो गाना उसका हिट हुआ है, उसके बाद मतलब के कमाल ही गया वो, खत्म फारिक, वो फारिक करा दिया उसने सबको। अरिजीत का अपना एक लेवल है, बाकी सिंगर्स का अपना अपना एक लेवल है। और आतिफ असलम यार पाकिस्तानी इंडस्ट्री के बाबा जी हैं, बाबा जी हैं, जैसे आप लोगों के अरिजीत है वैसे हमारे आतिफ भाई बाबा जी हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री के, और इंडिया में भी गा के आए आतिफ भाई, तो कमाल ही सिंगर है आतिफ भाई भी, जो गाना गाते हैं वो हिट हो जाता है, लाइक वो जो है ना वो बिल्कुल ऐसी है, वो ना गोल्डन बुल है इंडस्ट्री का, जेड़ा गाना फड़ा दो आतिफ भाई हिट करना है, आतिफ भाई से गवा लो, आतिफ भाई से गवा लो, कवाली गा लेगा बंदा, नाते पढ़ लेगा, वो अजान भी देता है ऐसी कमाल, ऊपर से गाने भी गा लेगा, हर चीज उसने कर लेनी है, कमाली सिंगर थे। डिफिकल्ट टू चूज, और एक डिफिकल्ट था सोनू निगम वाला और राहत फतेह अली खान वाला, इसमें भी बहुत डिफिकल्ट है। लाइक सोनू निगम शुरू से चलते आ रहे हैं, लाइक वो भी लेजेंड है, और इधर से राहत फतेह अली खान साहब लेजेंड है, मतलब राहत फतेह खान साहब भी इंडस्ट्री में काम करके आए हुए हैं, तो डिफिकल्ट था यार, बहुत डिफिकल्ट था, सारे डिफिकल्ट जो थे ना सिंगर से,
चूज करने के, सब बहुत जबरदस्त गाते हैं और ये यही रियल सिंगर्स थे जो विदाउट, देखा सबने विदाउट ऑटो ट्यून और विदाउट म्यूजिक ये गाने गाए हैं सबने। यही बात होती है कि यही असल सिंगर की, असल सिंगर की पहचान बता लगी कि सारी बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं सभी। और जिस जो जो सिंगर मिस हुए हैं वो कमेंट्स नीचे कर देना कि आप लोगों का फेवरेट सिंगर कौन है जो इस लिस्ट में नहीं था। और मेरे तो यार सारी जबरदस्त थे, और दर्शन की, दर्शन की आवाज जो है ना, अरिजीत का अपना आवाज है, लेकिन मुझे मुझे आजकल ना दर्शन की आवाज बड़ी जबरदस्त लग रही है। दर्शन की आवाज नहीं, मुझे आजकल ना जुबिन, जुबिन या उस जब से वो गया ना तुझे कितना, जुबिन भी बड़ा लेवल के सिंगर है, मतलब कि वो। तो यार ये थी सारी, हम बातें करते रहेंगे सारा दिन लग जाएगा सिंगर्स के बारे में। तो आप लोग कमेंट्स में अपनी राय देना जरूर कि आप लोगों का कौन सा फेवरेट सिंगर था। और बाबा जी अरिजीत और आतिफ का कोई मुकाबला नहीं है, दोनों खुश रहे।